शुक्रिया विनर। जूनियर देखो हमें आज बाहर जाना है, इसलिए अच्छे से साफ हो जाओ। हाँ बाहर जाने के लिए सच में मेरा अच्छा बेटा। और मेरा क्या? तुम तो बहुत पढ़ते हो। हाँ मुझे पता है। तुम्हारी जीत पर एक गाना सुनाओ। तुम दोनों जब तैयार हो जाओगी तो हम सब एक पुराने रिश्तेदार से मिलने जाएंगे। हाँ? सच में कौन है वो? हमारी एक दादी के पास कुछ खास शक्तियाँ हैं। पिताजी भी हमारे साथ जाएंगे? बिल्कुल, हमारा सारा परिवार वहाँ जा रहा है। मोटू पतलू तो नहीं मिल पाएंगे। बकशॉट को उनकी जरूरत होगी। जानती हूँ तुम्हें उनकी याद आ रही है, वो जल्दी आ जाएंगे। तुम चलने के लिए तैयार हो विनय? हम जल्दी निकलेंगे। कितनी मजेदार बात है ना, तुम दादी से मिलने जा रहे हो। हम रुके क्यों हैं? जंगली सुअर की टुकड़ी आपकी हिफाजत के लिए एकदम तैयार खड़ी है, बस आप हुक्म दीजिए। टुकड़ी एकदम तैयार खड़ी है महाराज। शुक्रिया सेनापति। विश्राम। हम घाटी में अपनी बूढ़ी दादी शैनन से मिलने के लिए जा रहे हैं, उन्होंने हम सबको आज मिलने के लिए बुलाया है। क्या आपने शैनन कहा महाराज? मैंने उस बूढ़ी शेरनी का नाम सुना है, उसके पास बहुत सारी जादुई ताकतें हैं, लोग उसे जादूगरनी कहते हैं महाराज। अरे वाह वो जादूगरनी है, मुझे उनसे मिलना है। आप हुक्म दीजिए, मेरी टुकड़ी वहाँ का रास्ता दिखाएगी आपको। राजकुमार आज सुबह से ही असल में मेरा गला थोड़ा बैठा हुआ है। सच में? अगर आप बोल नहीं पाएंगे तो आप हुकुम कैसे देंगे? मैं सोच रहा था कि आज आप मेरी जगह सेनापति का काम संभाल लेते, क्योंकि टुकड़ी सेनापति के बिना काम नहीं कर सकती। मैं? तो आप चाहते हैं कि मैं आपके सैनिकों को हुकुम दूं? याद रखिएगा, आपको एक अफसर की तरह कड़क रौबदार आवाज में बोलना होगा, ठीक है? वैसे बोलूंगा जैसे पिताजी डांटते हैं। बोल के दिखाइए। तुम लोग शैतान हो गए हो, आज घर से बाहर नहीं जाओगे। नहीं रुको। सावधान। एक दो, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़।
मोटू क्या तुम दोनों थोड़े और दिनों तक नहीं रुकना चाहते हो? काश कि हम रुक पाते, मगर सिम्बा वहाँ परेशान होगा। और तुम दोनों किलिमंजारो तक जाओगे कैसे? राजा ईगल हमें अपनी पीठ पर बैठा के ले जाएगा, मजा आएगा ना? हाँ हाँ हाँ, कितनी बुरी बात है कि तुम्हें अपने तमगे का राज नहीं पता। नहीं, तुम्हें अगर ये मालूम होता कि तुम यहाँ कैसे आए हो तो ये तुम्हारे लिए सबसे बड़ा खजाना होता। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ दोस्तों, तुम्हें पता है तुम्हारे जादुई पदकों में कमाल की शक्तियाँ हैं। सिम्बा और बक्षौर जब चाहें एक दूसरे से मिल सकते हैं। हम लोग हफ्तों तक लंबे खतरनाक सफर तय किए बिना ही कहीं भी पहुँच सकते हैं, क्या तुम्हें पता है? अब सिम्बा और मैं एक दूसरे के बच्चों से मिल सकते हैं। बिल्कुल, हम जब चाहें एक दूसरे से मिल सकते हैं। हम बगीरा से बात कर सकते हैं, बलू, फ्लैश और अगस्त्या सभी पुराने दोस्तों से। पहले की तरह हम सब साथ होंगे। सही कह रहा हूँ ना मोटू? बस हमें मेडल का राज खोजना होगा। हाँ बिल्कुल, ताकि सिम्बा और बक्षौर फिर से मिल पाए। पर अभी तो हमें वही पुराने तरीके से सफर करना होगा। तो और कितने दिनों तक तुम दोनों रुक सकते हो? वापसी की उड़ान बहुत लंबी और थकाने वाली है, हमें जल्दी से जल्दी निकल जाना चाहिए। मानता हूँ, पर जाने से पहले विदाई की दावत तो खाकर जाओगे ना हमारे साथ? क्यों नहीं। अरे हाँ दोस्तों, हमारे पास पनीर भी है। हाँ बिल्कुल लियूस, शैनन दादी दुनिया में सबसे अच्छी है, तुम बिल्कुल मत घबराओ। Uh-huh.
ये ले जाओ तुम। बहुत बहुत शुक्रिया। अपने बेटे को पिला देना, कल सुबह तक ठीक हो जाएगा। मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं? कोई बात नहीं, जाओ उसका ख्याल रखो। मैं ये एहसान नहीं भूलूंगा। अलविदा। अलविदा। लगता है वो लोग आ गए। क्या आपको यकीन है पिताजी कि वो यहीं रहती हैं? कैसी है शैनन? अच्छी हूँ महाराज। हाँ? आपके आने से मेरी इज्जत बढ़ गई है। हम यहाँ क्यों खड़े हैं? चलो अंदर। आप यहीं पर रुके सेनापति। अच्छा हुआ आप सब आए महाराज, मुझे एक काम पूरा करना है। सच में? किस तरह का काम? जूलियस और जूनियर से जुड़ा हुआ है। इन पर कोई खतरा है? नहीं, वक्त आ गया है कि जादुई गोले की भविष्यवाणी सच हो। हाँ? हाँ? सैकड़ों सालों से जादुई गोले की शक्तियाँ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सौंपी जाती रही है, और आज उन सितारों की शक्तियाँ पाने की बारी ल्यूस और जूनियर की है। तुम्हारे दिल से जबरदस्त ताकत निकलती दिख रही है। अब ताकतों को बुलाते हैं। हाँ? हाँ? ओ आसमान की ताकतों, ओ सितारों की शक्तियों, वक्त आ गया है कि तुम नीचे उतरो और जूनियर और ल्यूस में प्रवेश करो। प्रवेश करो जूनियर। अब मैं तुम्हारे शरीर में सितारों की शक्तियों को स्थापित करूंगी। दर्द होगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या मुझे भी शक्ति मिलेगी? तुम्हारे लिए भी वही उपहार है मेरी बच्ची, जो कभी मुझे मिला था, अनोखी शक्ति। महाराज, आपका बेटा भी बहुत बहादुर बनेगा। ये जंगल लौटेगा और बर्डैन से लड़ेगा, जो शेर खान का भाई है। ये नियति है। तुम्हारी बारी ल्यूस। तुम भविष्य देख पाओगी। सिर्फ
तुम्हारे और मेरे पास ही ये देखने की ताकत है ल्यूस। तुमने मुझे बिजली फेंकते हुए देखा दुश्मनों पे? सितारों की शक्तियाँ कमाल है जूनियर। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों इस कमाल के उपहारों के लिए दादी शैनन का शुक्रिया बोलो। शुक्रिया। शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं महाराज, ये मेरा फर्ज था। शैनन तुमने बहुत कमाल का काम किया। तुम दोनों को बहुत बधाई हो। मोटू और पतलू को ये बात बताने के लिए इंतजार नहीं कर पा रही हूँ। मुझे तो उनकी बहुत याद आ रही है। काश वो भी यहाँ होते तो उनके साथ चोर सिपाही खेलती। अगर तुम अपने दोस्तों को देखना चाहती हो ल्यूस, तो बस इतना करना है कि ध्यान लगाओ, वो सामने होंगे। माफ करना बेटी, मुझे वहाँ कोई नहीं दिख रहा। वो तो सामने ही है, ईगल किंग की पीठ पर। हाँ? आज तो सिर्फ ल्यूस ही देख सकती है, लेकिन एक दिन आप सब भी देख पाएंगे। इसे लगता है इसने हमारे दोस्तों को देखा है जो एक दिन अचानक गायब हो गए थे। हाँ, वो जंगल में बकशॉट के साथ थे। तुमने उन्हें देखा? लेकिन वो इतनी जल्दी एमरल्ड जंगल में कैसे पहुँच गए? मैंने लुटेरों के पास सोने का पदक देखा जिसमें शक्तियाँ हैं। जादुई पदक। आप सबसे मिलकर अच्छा लगा, पर अब जाने का वक्त है। हाँ? वो कहाँ गई? अपना ख्याल रखना। तुमने देखा ल्यूस? वो गई। उदास मत हो बच्चों, उन्होंने बहुत लंबा जीवन जिया और वो जादू भी दे गई तुम्हें। ल्यूस, बताओ कि मोटू पतलू कहाँ है ताकि हम उनसे मिल सके। सही कहा मैंने, चलो चले। आओ ल्यूस, हमें दिखाओ वो कहाँ है, हम लोग उसे मिल जाएंगे। आपके हुक्म के इंतजार में हैं। जंगली सुअर की टुकड़ी आपको वापस ले जाने के लिए तैयार है। शुक्रिया सेनापति, विश्राम। सितारों की शक्तियाँ, बेटे में भी पिता वाली शक्तियाँ आ गई हैं। हाँ, शैनन की तरफ से तोहफा है। वापस घर चलते हैं तेजी के साथ सेनापति। बस इसी की कमी थी इस बरसात की। पकड़ लेना मोटू, छोड़ना मत। पकड़ लो मुझे, हाथ पकड़ो मेरा, हाथ पकड़ो मोटू। सब महसूस हुआ था। अरे ये पंख किसके हैं? जरा देखूं तो। कोई है यहाँ पर? वहू,
जरूर सपना देखा होगा मैंने। शैनन की वजह से ल्यूस और जूनियर अपने भविष्य का हिम्मत के साथ सामना कर पाएंगे, लेकिन अभी तो उन्हें ये चिंता सता रही है कि उनके दोस्त मोटू और पतलू कहाँ चले गए। क्या लुटेरे अपने पदकों का राज जान पाएंगे? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड।